मजा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। तो भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, उसके लिए माजरत। काफ़ी चीज़ों में मसरूफ़ था मैं, काफ़ी दूसरा चैनल देख रहा था, कंटेंट बना रहा था, काफ़ी आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा था, अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहा था, क्वालिटी कंटेंट बना रहा था। तो अब काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को अच्छी अच्छी एक्सप्लोर वीडियो सिखाने के लिए बहुत दूर आया हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जन्नत दिखाता हूँ, सही है? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है कराची एयरपोर्ट से, लाहौर पे पहुँचे हम। उसके बाद ट्रेन में जो चल रहा है, बाहर जो चल रहा है, हम सब छोड़ छाड़ के अपने गेम्स में अपनी मस्ती में लगे रहे। सफ़र हमने काटना था, 30 घंटे का सफ़र था, पूरा सफ़र हमने काटा। और बाहर आंधी आई हुई थी, यहाँ हम पहुँचे मंडी मोड़ इस्लामाबाद पिंडी, यहाँ से हम निकलाई गए वैन, और वैन में बैठ के हम निकल गए थे मरकला की तरफ। ये जा रहा है तेमरगला के लिए रास्ता। ये नज़ारा मेरे को आपको लाजमी दिखाना है, बहुत खूबसूरत नज़ारा था, इसलिए मैंने नज़ारा दिखाया, इसके लेंस के लगाई नहीं थी। उसके बाद हम पहुँच गए थल बाज़ार। आप ये थल बाज़ार में पहुँच के आपको आगे की कहानी में बताता हूँ लाइव। ये अभी हम लोग हैं कहाँ, कुमराट साइड, कुमराट साइड है। और रात को हम लोग पहुँचना था, तो सीन ऐसा हुआ कि हमें पता चला यहाँ पे पहुँचने के लिए थल बाज़ार पे हमें पहुँचते, यहाँ पे पता चला कि सैलाब आया था जिसकी वजह रास्ता ख़राब है, आप लोग जा नहीं सकते, और बहुत बड़े 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 मसले मसाले सामने आ रहा है। आज हमारा स्टेटअप कुमराट के काफ़ी ब्रेकेज हैं, तो जिस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। आज के दिन होटल में स्टे किया है, अब गाड़ी कराने गए हमारे बंदे। तो कुमराट का सफ़र है, ये आप देख रहे होंगे पहाड़, पहाड़ों पर जाना है और बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस जन्नत में जाना है, इस ये आबशार पीछे देख रहे होंगे आप, ये आबशार वो बह रही है, दरिया बह रहा है, दरिया ग्लेशियर। तो ये देखें, ये दिखाएंगे आप लोगों को, और बहुत बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करानी है, साथ रहिएगा। नीचे बहुत ठंडा पानी है। अभी और इसमें नहाने का बोल रहा है वो, बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, हाथ सुनो जाए हाथ डालते ही, बहुत ठंडा पानी है गाइस। कितनी करोगे आप, और इसमें नहाने की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा। हाँ बहुत साफ पानी, इतना साफ पानी है, देखो सात बार देख रहा आप लोग, पानी बहुत ठंडा है, और बातें कर रहे हैं लोग नहाने की है? पानी देख के आपको लग रहा है वो नाला है, नाला नहीं है भाई, है ये साफ पानी, चश्मे का पानी, और यही पी रहे हम लोग, और यही सब कुछ हो रहा है, और यही हमारे होटलों में भी यूज़ हो रहा था, यही सब कुछ, और सब ठंडा है, बहुत तेज ठंडा पानी है। ठीक है ठीक है, जी यहाँ के लोगों का रहन सहन, हम लोग दोस्तों को देखने सब लोग घरों में पानी की लाइन जा रही है, खूबसूरती देख के हम यहाँ भाग के आ गए, बाहर में गए दोस्त, पहले खूबसूरती पहले ब्यूटी फर्स्ट, वही तो बाहर में गए दोस्त वो सब, मैं आके सब भूल जाओ। ओए गाड़ी कुछ
चलो पालक लगा शलजम। हाँ कोई ना कोई फसल है। लोगों अपने खाने पीने की चीजें खुद ही उगाएंगे और खुद खा रहे हैं और खुद बना रहे हैं और खुद सब कुछ हो रहा है, तो सोचो क्या मतलब क्या वो फील होगी, क्या मजा होगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कितने सारे कहते हैं। एक मतलब ये लाइफ गुजारनी है यार। वालेकुम अस्सलाम। कराची। हाँ कराची। अच्छा ए आप रोटी खाओ हम पेट हो जाएगा, ये वो आपके पेट ये कुछ भी नहीं, अब यहाँ आके खाएगा। यहाँ के देख रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ का खाना पीना लगेगा, ये सलाह खाओ सलाह। अच्छा इधर से सलाह है, ये इधर से हमारा पति ये सलाह है, आप ये तो आओ खाओ आप पेट हो गया और नमाज के फिर पढ़ो अल्लाह याद करो। आप किधर जाएंगे आज आप कई जगह किधर है? कराची से आया। कराची कराची शहर से और से तबलीग के वक्त लगाओ तीन दिन दिन और मरकज से शबीज में चलो या खरत अच्छा हो गया समझ गया इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं है अभी, ये अपन आगे बढ़ा ही नहीं है अभी, चल चल अभी वापसी कर ले, बहुत आगे तक चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा खूबसूरती में खोखा के और दोस्त वो हमारे ढूंढोगे उनको ढूंढने निकले था वो हमारे ढूंढोगे। तो गाइस फाइनली हमारे को गाड़ी मिल गई थी, तो हम गाड़ी में बैठ गए और निकल गए हम कुम्हराट के लिए। तो कुम्हराट का सफर हमने यहाँ से शुरू हुआ हमारा, और नज़ारे सारे इतने खूबसूरत थे गाइस कि मैं दिन तो चाहता था मेरा कि सारे रास्ते मोबाइल का कैमरा ऑन रखूँ, लेकिन मोबाइल में चार्जिंग में मैं देख नहीं कि पाँच दिन में पहाड़ी पे सफ़र करना था, तो वहाँ पर कोई स्टेप नहीं था, हम पावर बैंक से ले गया था। मोबाइल हमने बहुत देख देख के इस्तेमाल किए, दो तीन मोबाइल ले गया था मैं, तो तीनों की चार्जिंग आखिरी में लेट थी तो काफ़ी देर था। तो नज़ारे देखें आप, नज़ारे कितने खूबसूरत थे, हर नज़ारा एक अलग ही मतलब देख के मंजर आ रहा था, ज़्यादा पसंद यही पे बच जाए खूबसूरती का मंजर ये लगता है। यहाँ पे मुझे मेरी नाक की मस्जिद थी और नमाज़ पढ़ने का भी मज़ा भी के साथ होगा, ये नज़ारों में पहाड़ों के बीच इन हरियाली में नमाज। फाइनली 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 आ गए भाई कुम्हराट। और अब जाएंगे यहाँ से अबशार की तरफ, पानी पीते हैं फिलहाल अभी ठंडा ठंडा अबशार का। नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ, तो कैंपिंग की जा रही है, कैंपिंग की जा रही है यहाँ पे, और देखते हैं कैंप फर्स्ट टाइम लगाएंगे, कैंप लगता ही लगता हमारे लड़कों से। ये सामने हरियाली में जंगल में और समंदर के बीच अक्षार के बीच कैंपिंग करने का मज़ा ही अपना अलग है। अभी तो बहुत से एडवेंचर करने हैं, बहुत से भी तो स्टार्टिंग है, देखते हैं बहुत मजा आने वाला है आगे जाके। तो भाई कैंप लग गया है, कैंपिंग हो गई है, अब हमें चाय की तलब हो रही है लड़कों को, फिर डंडियाँ ढूंढनी है। डंडियाँ ढूंढते हैं, ये डंडियाँ है ना इतनी बहुत नहीं है, इतनी पतली पतली देख रहा हूँ भाई, मेहनत करनी पड़ती है काम के लिए। भाई पानी पीते हैं अबशार का ठंडा ठंडा, अपन नहीं गिरेंगे, अबशार का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ठंडा पानी। देख करने भाई ठंडा यार पानी है, उसमें नहाना भी है आपने आज भी आप चार पे जाके ठंडा क्यों होगा, साफ पानी है, साफ पानी घर पे भी नहीं आता होगा आपके।
थोड़ा सा सारा पानी है, टेस्ट आ रहा पानी में कोल्ड ड्रिंक वाला। नजारे भी हैं। हम लोग सामने भी गए थे, सामने वाले इस एरिया में। ये पानी बहुत तेज है, ये पॉसिबल नहीं लगा जाना। वहाँ आगे जाके रास्ता है। ये जन्नतर किसी को ऊंची ऊंची रात भाई। सही बात है, और लोगों को पता नहीं होता, लोग इस जगह जाते नहीं है। यहाँ की वाइब भी अलग है। फ्रिज से भी तो ठंडा पानी है, यहाँ ठंड भी होगा। पानी है, सारा बर्फ का पानी पिघल रहा होता है ना पहाड़ों का, तो वही आ रहा होता है। पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ पे जाना है। हाँ, काला पानी का नहीं, काला पहाड़ पानी, काला पानी, काला पानी है, काला पहाड़ है। भाई चाय का इंतजाम हो रहा है। अरे पानी देना, पानी पानी, लकड़ियां जमा करने का काम चालू है जंगलात में। तो आसान भी है, मज़ा भी है, इंजॉय भी है, मुश्किल भी है, सब कुछ है। लकड़ियां जमा कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है क्योंकि शाम आप देखेगा यहाँ पे सिर्फ जंगल जंगल है। हम लकड़ियाँ ज़्यादा करते हुए घूमते हैं। अरे ये पड़ी वैसी बड़ी वाली लकड़ी नहीं, ये अखरोट गिरे में है। ये सारे अखरोट के पेड़ है भाई, सारे अखरोट के पेड़ हैं। ये अखरोट गिरता है, ये अखरोट है, बोला ये इसमें से अखरोट की काश्त होती है। ये पड़ी, ये पड़ी वैसी बहुत सारी लकड़ियाँ। अब दरख्तों पर ये क्या हुआ भाई, ये हरा हरा, हाँ पत्थरों पे ये घास उग गई है गायब है। ये पड़ी हुई गाइस, काफी देर चलने के बाद, खारी के बाद बहुत खूबसूरत नज़ारा सामने आया जो देखने लायक है, आप लोगों को दिखाने लायक है, दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ का फ्रिज देखें, नेचुरल फ्रिज। अब शहर का ठंडा ठंडा पानी से कनेक्ट किया हुआ है और ठंडा ठंडा हो रहा है, कोई बिजली कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बिजली बन रही है। क्या बोलते हैं फिर, दिखा दूँ पब्लिक को? दिखा दे, दिखा दे। पक्की बात है, दिखा दूँ, पक्की बात है, दिखा दूँ, दिखाता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स बनाऊंगा मैं, और ये शॉर्ट्स आपको देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम लिंक में दे दूंगा यहाँ पे, इंस्टा पे मेरे आके देखें, इससे बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स मिलेंगी आपको देखने। तो गाइस इस थोड़ा सा नहाने के बाद इस पानी में हमारे तीन लड़कों ने जवाब दे दिया है, इंतकाल होने वाला उनका, हो सकता है वापसी में हम दोनों का रिवानगी हो सिर्फ। तो पानी का प्रेशर चेक करो, इतना कोई शदीद ठंडा पानी है ना जिसका कोई जवाब नहीं है, मतलब मेरे हाथ सिर्फ डाले थे, मेरे हाथ और पांव सुन हो चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, हाथ पाँव ज़्यादा बोल नहीं है ताकत, पर व्यू देखें मत देखना। आज यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो गई है, ओले गिर रहे, ओले गिर रहे यार, अब भैया बर्फ गिर रही है, इतनी खतरनाक बर्फ गिर रही है, टांट पे लग रही है सीधा आगे। इतनी तेज बारिश हो गई यहाँ पे यार, क्या करें,
पूरे भीगे खड़े हैं भाई सर्दी से, होए 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 सफेद हो गया पूरे। तो यार बर्फबारी शुरू हो गई है, बहुत खतरनाक वाली बर्फबारी शुरू हो गई है यहाँ पे, तो बकायदा ये खतरनाक वाले बोले भाई फाड़े टाट पे, होए 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 वो खतरनाक बोले यार। तो गाइस प्रोग्राम तो बढ़ गया हमारा, और बहुत खुआरी हुई है बारिश में, हम फंस गए बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं, और इसी गंदी तरीके से फंसे हम लोग के आगे जा भी नहीं पाए, और सारी रात गीले में सोए क्या है बचिए, टेंट में पानी भर गया हमारे, कुत्ते वाली हुई है हमारे साथ जो बता नहीं सकते हम लोग। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया हमारा, वो बारिश ने बजा दिया हमारी, गाड़ी नहीं मिल रही है कोई जाने की, आगे हमें जाना है VIP पॉइंट जो आप लोगों को दिखाना था, बेस्ट पॉइंट ये समझो 10% उसका वैसा पॉइंट है। अब दुआ करो आप लोग कि उस पॉइंट पर हम पहुंच जाएं, गाड़ी मिल जाए तो पॉइंट दिखाते हैं आप लोगों को, बाकी कराची पहुँच के तो आपको व्लॉग मिलेगा ये इंशाल्लाह। बाकी सीन देखें आप कैसे आ रहे हैं यहाँ पे भी, पीछे बादलों ने देखें कैसे आ रहे हैं नीचे। Thank you.